ऊपर कैंप से रोड लगा रहा है नमस्कार। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मोहित गोयल दिस साइड। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हां अभी थोड़ा आवाज आ रहा है, स्लो आ रहा है। हाँ अभी ठीक आ रहा है, वॉइस आ रही है। हाँ आपकी वॉइस आ रही है, बोलो आपकी बोलो आ रही है। गुड आफ्टरनून अजय जी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका धन्यवाद। आप सब लोगों ने अपने कीमती समय में से समय निकाला और हमारे एक छोटे से नोटिस पर सब लोग मुंबई आज का कुछ माहौल ऐसा है, हम लोग नहीं चाहते कि किसी भी हाल में कोई भी हमारा साथी जो इतना शानदार काम कैसे आया है, हम चाहते थे कि बिना कोई समय गवाए, बिना कोई मिनट, बिना कोई घंटा और बिना कोई दिन गवाए वो चीजें आप लोगों तक डाउनलोड हो जानी चाहिए, आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि कितना शानदार कंपनी आप सब लोगों ने लेकर के आई है। लास्ट मंथ का भी कॉन्टेक्ट आप लोगों ने देखा था, सिजलिंग सितंबर बड़ा ही शानदार कॉन्टेक्ट हमने किया था और इस मंथ भी उसको मतलब सिजलिंग सितंबर कॉन्टेक्ट को देख करके और उस कॉन्टेक्ट के अंदर जो आप सबने और एंटायर पैन इंडिया ने जो अपना पार्टिसिपेशन दिखाया है, जो उसके अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाया उसको देखते हुए कंपनी ने एक और शानदार कॉन्टेक्ट अक्टूबर के लिए निकाला है। उससे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि हमारे लास्ट मंथ में क्या अचीवमेंट रही है। दोस्तों लास्ट मंथ का अगर मैं बात करूँ पैन इंडिया की, ओवरऑल इंडिया ने जो हमारा बिजनेस का अगस्त के कंपेरिजन में अगर बात करूँ, अगस्त के कंपेरिजन में 40% की ग्रोथ एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने की है। वेलकम विकास जी।
एज एन ऑर्गेनाइजेशन इस चैनल ने 40% की ग्रोथ की है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। 40% एक चैनल का एक महीने के अंदर ग्रोथ करना बहुत बड़ी बात है, और उस ग्रोथ के पीछे वो कहीं नहीं, आप सब लोगों की कड़ी मेहनत, आप सब लोगों का सपोर्ट, आप सब लोगों का प्यार हम लोगों के साथ खड़ा रहा है, और उसके लिए आप सब लोग तहे दिल से बधाई के पात्र है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सब लोगों कि आप सब लोगों ने हमें सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया और इतने अच्छी ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन को दी। एंड कॉन्टेस्ट में बढ़ने से पहले एक कोर्ट चीज मेरे माइंड में आ गई, मैं वो भी आपको बता दूं। शायद जैसे तो आप सबको पता है कि जैसे मैक्स बुपा का नाम ऑलरेडी चेंज हो चुका है, नाउ मैक्स बुपा इज निवा बुपा। उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, अगर कुछ लोगों को नहीं पता। बेसिकली 2 साल पहले ही मैक्स इंडस्ट्री से निकल गया था, 2 साल का एग्रीमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुआ था कि 2 साल तक हम लोग मैक्स का नाम यूज करेंगे, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 इयर्स जो कि होने जा रहे हैं, 2 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं, उसके बाद जो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था, वी हैड चेंज अवर ब्रांड नेम, इट्स कॉल्ड निवा बुपा। एंड निवा दोस्तों बेसिकली एक संस्कृत का वर्ड है जो बेसिकली सूर्य की भांति चमकता है, सूर्य की भांति ग्रो करता है और खुलता है, तो वहां से लिया गया है। एंड आप लोगों को जानकर के बड़ी खुशी होगी कि निवा बुपा बेसिकली पहले की बजाय और स्ट्रॉन्ग हो गया है। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ, नाउ फॉर योर इन्फॉर्मेशन निवा बुपा में जो पार्टनर्स हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हमें पता चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से पार्टनर्स हैं, कौन कौन लोग उसमें इन्वेस्टर्स हैं। आज की डेट में बुपा आपको पता है कि ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिटिश कंपनी है, वो हमारे साथ पार्टनर है। उसके अलावा ट्रू नॉर्थ जिसने मैक्स का पार्ट किया था, ट्रू नॉर्थ हमारा पार्टनर है। एंड मेन जो हमारे साथ एक नया ब्रांड नया ग्रुप जुड़ा है, दैट इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक इज ऑल्सो अवर इन्वेस्टर नाउ। अगर हम बात करें निवा बुपा इज अ ग्रुप ऑफ एक्सिस बैंक, ट्रू नॉर्थ एज वेल एज बुपा, तो इनको मिलाकर के बुपा बना है, सॉरी निवा बना है। और पहले के बजाय हम लोग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं, और ज्यादा अच्छी चीजें आप लोग देख रहे होंगे आ रही है, बहुत ही शानदार कॉन्टेस्ट आ रहे हैं। पहले जैसे यशपाल जी वगैरह जुड़े हुए, यशपाल जी बहुत पुराने हैं, उन्होंने पहले भी कॉन्टेस्ट देखे हैं, और अभी भी कॉन्टेस्ट आ रहे हैं, लास्ट में बहुत शानदार कॉन्टेस्ट आया था, और अभी का जो कॉन्टेस्ट है दैट इज ऑल्सो ऑसम कॉन्टेस्ट फॉर क्वार्टर एज वेल एज फॉर अक्टूबर। सो लेट्स गो, आई थिंक वेलकम करना सर, बड़ी खुशी की बात है दोस्तों, हमारे साथ स्कूल पे हमारे जोन हेड परना सर ने ज्वाइन किया, वेलकम सर इन द स्कूल। अभी तक सर हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट निवा बुपा की, हमारा मैक्स बुपा से निवा बुपा कैसे हुआ और क्या क्या उसमें हमारे लिए इन्वेस्टर्स हैं, उसके बारे में हम लोगों ने अपने डिटेल से डिस्कस किया कि निवा बुपा इज अ पार्ट ऑफ थ्री पार्टनर्स, इट्स टू नॉट एक्सिस बैंक एज वेल बुपा, तो इन तीनों को मिलाकर के निवा बुपा हुआ। एंड इसके अलावा सर अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि व्हाट वी हैव अचीव, जो हम लोगों ने अगस्त के कंपैरिजन में सितंबर में हम लोगों ने पैन इंडिया के अंदर जो अच्छा कंट्रीब्यूशन जो बिजनेस किया है, एंड ऑब्वियसली जो बिजनेस करने में जो सपोर्ट रहा है, सब जो लीडर्स हमारे साथ हैं उन सब लीडर्स का सपोर्ट प्यार हमें हमेशा मिलता रहा मिलता रहेगा वो है। एंड सो इट्स टाइम टू गो फॉर द कॉन्टेस्ट, कि अक्टूबर का जो हमारा कॉन्टेस्ट है, एंड अक्टूबर के साथ साथ ONGC का जो हमारा कॉन्टेस्ट है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। एंड बहुत ही शानदार कॉन्टेस्ट है, दिल थाम करके बैठिएगा, मुझे नहीं लगता कि शायद ही किसी जो दूसरी कंपनी में आप लोगों ने काम किया है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है या हेल्थ इंश्योरेंस है, कहीं आप लोगों को ऐसा शानदार कॉन्टेस्ट देखने को मिला होगा। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही यूनिक कॉन्टेस्ट अपने आप में लेकर के आएगा जिसमें। सो लेट्स गो फॉर, आई थिंक मेरा स्लाइड सब लोगों को विजिबल है, विकास भाई विजिबल है आपका स्लाइड मेरा, यशपाल जी, विकास जी, प्रेम जी, राजेश जी, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। सो विल स्टार्ट फॉर द कॉन्टेस्ट पॉन्चिंग, we are delighted to launch our Codalia cruise contest for our OND October, November and December. It's a very very decent contest, जो कि अगर कॉर्डेलिया क्रूज की मैं बात करूं,
मैंने अपने अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, मेरे 18 साल के एक्सपीरियंस के अंदर मैंने कहीं कोडेलिया क्रूज का एक्सपीरियंस नहीं देखा है कि कॉन्टैक्ट किसी कंपनी ने लॉन्च किया है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो हेल्थ इंश्योरेंस हो, इट्स अपने आप में बहुत ही शानदार और बहुत ही डिलीशियस। अगर आपको मौका मिलेगा और हर कोई इसको पार्टिसिपेट कर सकता है, इतना छोटा और इतना शानदार कॉन्टैक्ट को बनाया गया है। इस कॉन्टेस्ट के बारे में ब्रीफ में हम लोग बात करेंगे। अगर कोडेलिया क्रूज के बारे में शायद कुछ पार्टनर्स को हो सकता ना पता हो, थोड़ा मैं आपको आइडिया दे दूं। कोडेलिया क्रूज बेसिकली क्रूज है जिसकी सैर करने का हमें मौका मिलेगा और उसमें दो तीन मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं, बालकनी होता है, बीच में होता है और उसके अंदर मल्टीपल इवेंट होते रहते हैं और बहुत सारा फन एंटरटेनमेंट, बहुत ही मतलब यूनिक कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन लेकर के आइए। पटाया भी ओल्ड हो गया, पटाया हम लोगों ने दिया है लास्ट क्वार्टर में, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ने क्वालिफाई भी किया है, तो कुछ नया लेकर के ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए आई है और मैं चाहूंगा कि मेरा हर एक पार्टनर इस जो है कॉन्टेस्ट को ओएनडी को डेफिनेटली अचीव करे और इस जो इतना शानदार कोडेलिया क्रूज का कॉन्टेस्ट है इसको अचीव करे और इसको फील करे। मैं श्योर करता हूँ कि जो भी मेरा पार्टनर इस पे एक बार चला गया है डेफिनेटली वो कभी इसको भूल नहीं सकता और नेक्स्ट टाइम हमेशा याद करेगा कि सर ये कॉन्टेस्ट कब आ रहा है मुझे बताइए, और जैसे ही पता चलेगा वो डेफिनेटली वो क्वार्टर का कॉन्टेस्ट होगा बट वो एक महीने में पूरा कर लेगा कि भैया मुझे तो अपना कॉन्टेस्ट क्वालिफाई करना ही करना है, मुझे तो जाना ही जाना है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्टेस्ट एंड विल डू। विनोद यहाँ पे ना स्टार्ट करने से पहले सबसे एक बार इंट्रोडक्शन कर लेते हैं क्योंकि कुछ है जो जिनसे मेरा अभी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो यहाँ स्टार्ट करने से पहले जैसे विकास वत्स जी हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, सुनील जी से तो मुलाकात हो चुकी थी, तो विकास वत्स जी एक बार अनम्यूट करेंगे अपना फोन। विकास भाई हेलो, हेलो, हाँ विकास जी नमस्कार, कैसे हैं विकास जी? बढ़िया सर। तो विकास जी और ये हमारे पुराने साथी हैं, बीएससी और ग्रुप में बहुत अच्छा काम करते हैं, बिंगा एडवाइजर टू नाउ हैज बिकम एज अ लीडर हमारे साथ जुड़े हैं। ओके तो विकास जी स्वागत है आपका नई बाबू में। थैंक यू सर। और आज ही हम ये वीडियो कॉन्फ्रेंस लॉन्च कर रहे हैं जो बहुत ही शानदार है, ठीक है, तो प्लीज आप बने रहिएगा हमारे साथ। सुनील जी कैसे हैं आप? सुनील गुप्ता जी, सुनील जी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है सुनील को ना? संजय रावेश जी हैं हमारे साथ। संजय जी, संजय रावेश जी वेलकम। संजय रावेश जी जैसे कि कैथल से हैं, कैथल से हैं। ओके जी, हेलो, हाँ जी सर, हाँ राजेश जी, जी सर नमस्कार सर। नमस्कार राजेश जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर जी। तो विनोद राजेश जी कहाँ से हैं? राजेश जी कैथल से हैं सर। मैं राजेश जी बहुत जोरदार खिलाड़ी हैं, बहुत लाइफ के अंदर काम करते हैं और काफी टाइम से काफी एक्सपीरियंस हमने काफी मजबूत रखा है। जल्दी का म्यूट कर दीजिए। संजय जी आपको आवाज आ रही है? संजय रावेश जी, संजय राजेश जी को शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रेम गुर्जर जी आप अनम्यूट करिए सर, वेलकम। नमस्कार सर। सर नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया सर। तो प्रेम जी आप कहाँ से हैं? मैं कटनी से हूँ सर। ग्रेट प्रेम जी, तो आपका भी स्वागत है सर नीरज गुप्ता फैमिली में, जस्ट अभी आपने ज्वाइन किया है। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी हमारे साथ पवन जी हैं। हेलो पवन जी, नमस्कार पवन जी, कैसे हैं? पवन जी आप कैसे हैं? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही।
हेलो आवाज नहीं आ रही है मोहित, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। दो नाम बड़े शानदार नाम रखे हुए हैं, एक है नाम आजाद परिंदे, आजाद परिंदे किसका नाम है सर, चेहरा भी दिखाइए और देखिए तो सही सर, आजाद साहब, और आपका शुभ नाम क्या है, आजादी नाम है आपका या नाम कुछ और ये रखा हुआ है, आजाद परिंदे के नाम से किसी ने लॉगिन किया हुआ है, कुलदीप सोमवीर आप बताएंगे आजाद परिंदे के नाम से कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल सर नमस्कार सर, राहुल राहुल जी यस सर नमस्ते सर, नमस्कार जी, नाम तो बहुत अच्छा रखा हुआ है आपने आजाद परिंदे, ये सर्कल पे रखा हुआ है, वेरी गुड। तो आप हमारे साथ रेडियो हैं, कौन से शहर से हैं? जींद से सर। अच्छा जींद से हैं, वेरी नाइस, तो आप मतलब सोमवीर के साथ हैं जी सर, और एक नाम है चिकारा कैफे, चिकारा बहादुर से अंकित, अंकित चलिए मुझे लगता है आवाज नहीं जा रही है, मैं आपसे सर अभी संजय की आवाज आ रही है सर, अच्छा हेलो अभी आ रही है सर संजय की आवाज, संजय सर बोल रहे थे, गुड इवनिंग संजय जी, कुलदीप आप म्यूट कर लो, आपका आवाज ना इको करता है, तो आप सब लोगों से ना सर आप लोगों से सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि दिस इज अ वेरी यूनिक बहुत अच्छा एक स्कीम है आपके लिए, सामने आपको फोटो दिख ही रहा होगा कितना एक शानदार इवेंट आपके लिए हो सकता है, आप अपने आप को सोचिए एक बार, पवन जी विकास जी प्रेम गुर्जर साहब और संजय जी भाई है ना, आप अपने आप को एक बार के लिए सोचिए, पवन जी थोड़ा सा म्यूट कर लेंगे, गुज्जर सर म्यूट कर लेंगे थोड़ा सा, म्यूट हो सकता है, तो आप अपने आप को ना एक बार इस चीज पे सोचिएगा कि आप इस क्रूज पर बैठे हुए हैं, आप इस क्रूज पे सोचिए अपने आप को एक बार के लिए, क्योंकि मैंने दो बार इस तरह के बड़े क्रूज पे एक यात्रा करी हुई है, 2 नाइट 3 डेज का, हो सकता है आप में से भी किसी ने करी होगी, और जिसने करी होगी तो उसका अगर मैं आपसे कहूँ की वर्णन करिएगा तो आप शायद आप 4 दिन की यात्रा मुझे बता सकते हैं, म्यूट कर लीजिए प्लीज, तो आप अपनी इतनी यात्रा का वर्णन कर सकते हैं कि मेरे पास इतना शानदार अनुभव है इस क्रूज पे जाने का, तो आप अपने आप को एक बार सोचिए कि आपने इस स्कीम को क्वालिफाई कर लिया और आप कॉर्डेलिया क्रूज पर बॉम्बे टू गोवा, गोवा टू बॉम्बे वापस घूम रहे हैं, 10 माले की बिल्डिंग पे घूम रहे हैं, ऐसा लगेगा 10 माले की बिल्डिंग पे आप बैठे हुए हैं, और यकीन मानिए कि ये अपने आप में बहुत शानदार अनुभव रहता है दोस्तों, आप हम सब लोग मेहनत करते हैं काम करते हैं लेकिन कुछ दिन साल में से ऐसे निकाल पाते हैं कि जहां हम अपने लिए कुछ निकाल पाते हैं कहीं, तो हम पूरे दिन 24 घंटे हम 24/7 मेहनत करते हैं, पर मेहनत किस लिए करते हैं, फैमिली के लिए करते हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, इसमें एक टिकट नहीं है, इसमें 2 टिकट भी हैं, 3 टिकट भी हैं, शायद जहां तक मैं देखूंगा इस वक्त आगे आने वाले टाइम में 3-4 टिकटें भी हैं, तो आप चाहें तो अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, और ये इम्पोर्टेंट क्या है कि मैं ऐसा काम आपके लिए नहीं करने को दे रहा हूँ कि ये काम हो ही नहीं रहा मार्केट में, आप पवन जी मेरे को दिखाई दे रहे हैं, ये देखो सबने म्यूट अपने सबने वीडियो बंद कर रखी है, पवन जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, पवन जी एक बात बताइए मेरे को कि डॉक्टर नरेश त्रेहन का नाम सुना है आपने? हैं? नहीं सर। डॉक्टर नरेश त्रेहन किसी ने सुना है? चलिए डॉक्टर नरेश त्रेहन, प्रेम जी कौन है, आपने अपने म्यूट अनम्यूट कराया, कौन है? सोना नगर ये नाम पर डॉक्टर नरेश त्रेहन का नाम नहीं सुना है? नहीं सर। बहुत इसका मतलब जींद में और कैथल में तो बहुत बड़ा मार्केट है मेरे धंधे का, इसका मतलब अगर डॉक्टर नरेश त्रेहन का नाम नहीं सुना है तो डॉक्टर मेदांता हॉस्पिटल का नाम सुना है? हां जी। तो मेदांता हॉस्पिटल का मालिक है ये, ओके सर, इंडिया का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट है, दिल का ऑपरेशन करने वाला, मेदांता हॉस्पिटल का ओनर,
ये है। अब आप मेरे को एक बात बताइए प्रेम जी की, डॉक्टर नरेश प्रेम जब सुबह उठता होगा क्या वो सोचता होगा, क्या सोचता होगा अपने प्रोफेशन से रिलेटेड? डॉक्टर नरेश प्रेम ये सोचता होगा मेरे हॉस्पिटल में कितने मरीज आएंगे, कितने मरीज आएंगे, कितने को क्या अटेंड करना है, मतलब उसका उसका ध्येय क्या है, कितने लोग बीमार पड़े तभी उसका धंधा चलेगा ना। जी जी सर। पुलिस वाला क्या सोचता होगा, पुलिस ट्रैफिक पुलिस वाला कि साहब आज कितने पैसे बनेंगे, ट्रक वाले कितने पैसे बनेंगे, बस वाले कितने पैसे बनेंगे, है नहीं है? चोर क्या सोचता होगा सुबह उठ करके आज कितनी चोरियां करूंगा मैं। आप एक एडवाइजर हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर क्या सोचता होगा सुबह उठ करके, कितने लोगों का भला करूंगा, आपने ये तो नहीं सोचा कितने लोग बीमार पड़ेंगे? नहीं, आपने ये सोचा कि साहब सुबह उठ करके पूरे दिन में आज कितने लोगों का भला कर सकता हूँ, कि जैसा कोरोना में हाल हो गया था कि लोगों को अपने जेब से पैसे देने पड़ गए थे, लोगों को अपने हीरे जवाहरात बेचने पड़ गए थे, गहने बेचने पड़ गए थे, प्रॉपर्टी बेचनी पड़ गई थी, मैं किसी का भला कर सकता हूँ कि यार मैं एक 5,000 की 10,000 के बदले में 10,00,000 की श्योरिटी दे दूं, जींद में जा करके, हिसार में जा करके, कैथल में जा करके, और कल को वो मुझे दुआएं दे कि प्रेम भाई तूने मेरे पे यार 10,000 रुपए लेकर के मेरे ऊपर 10,00,000 रुपए का वो कर दिया, और मैंने आज मेरा 9,00,000 रुपए का क्लेम आया, भाई तेरा बहुत बहुत भला है, थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। ऐसा ही होगा ना प्रेम साहब? तो आप ये सोचिए, आप ऐसा काम कर रहे हो जो समाज में भलाई का काम, आप कोई सुबह उठ करके ये कभी नहीं कहेगा कि यार मेरा कोई लोग बीमार पड़े, आप सबका भला चाहते हो, इस तरह का प्रोफेशन में हूं आप, और ये प्रोफेशन फल फूल रहा है, ये प्रोफेशन फल फूल रहा है। आपने पिछले एक साल में इसकी हालत देख ली होगी कि कोरोना में क्या हाल हुआ लोगों का, बेचने वाले कम पड़ रहे हैं साहब, बेचने वाले, खरीदने वाले इतने हैं आज भी आपके, अगर आप कैथल से बिलोंग करते हैं तो कैथल में आज भी गारंटी के साथ कह रहा हूँ मुश्किल से मुश्किल 2-3% वर्ग ऐसा होगा जिसके पास पॉलिसी मिलेगी आपको। आप कैथल से बिलोंग करते हैं प्रेम जी? आपके कैथल की कितनी पॉपुलेशन होगी? विनोद कितनी होगी पॉपुलेशन कैथल की? उसमें से मैं कह रहा हूँ मेरे पास 40,000 फैमिलीज में पॉलिसी लेने लायक स्थिति में नहीं है, 20,000 फैमिलीज ऐसी हैं, क्या हमने 20,000 फैमिलीज कवर करती है? 20,000 20,000 का प्रीमियम उठाता हूँ तो मेरे पास 60 करोड़ का प्रीमियम इस शहर में बचा हुआ है, अगर 20,000 30,000 का मतलब बताऊँ तो 60 करोड़ होता है कितना होता है देख लेंगे तो जीरो काउंट भी नहीं हो रही। एक फैमिली 30,000 रुपए का प्रीमियम देगी और 20,000 फैमिलीज हैं आपके शहर में, 60 करोड़ का प्रीमियम, 60 करोड़ पे 15% मिलता है, यानी 10 करोड़ का कमीशन आपके शहर में पड़ा हुआ है जो हम देख नहीं पा रहे। तो मैं तो आपसे ही कहूंगा पवन जी से, प्रेम जी आपसे, विकास भाई से, संजय जी से, अगर हर एक व्यक्ति ये सोच ले कि अगले 3 साल में मुझे 500 फैमिलीज कवर करनी है बस, 500 आपका 1.5 करोड़ का प्रीमियम, आपके टीम मेंबर का आपका 2 करोड़ का प्रीमियम हो गया, आप सोचिए आपकी इनकम कितनी होगी। इतना मतलब हम इसीलिए छोटे छोटे शहरों में जा रहे हैं, हम दिल्ली शहर में काम कर लेते, बॉम्बे में काम कर लेते, यहाँ यहाँ बिजनेस की कमी नहीं है, पर हमारा ध्येय क्या है कि हम छोटे से छोटे शहरों तक पहुंचे। जी सर। अब ये आपका काम है कि मैं आपको अच्छे प्रोडक्ट दे सकता हूँ, अच्छे कॉन्टेक्ट दे सकता हूँ, मैंने अच्छा कॉन्टेक्ट देकर के आपके सामने इतना शानदार काम कर दिया है कि आपको और मन करेगा कि यार मैं 1-3 महीने के बाद काम करने के बाद मैं फरवरी में 3 दिन के लिए क्रूज पर घूम रहा हूँ, तो आप एक शांति मिलती है कि यार चलो बाकी सब चीजों से दूर रहो और एंजॉय करो और साथ में पैसे भी कमाएंगे, है नहीं? जी सर। तो इसी चीज के साथ मैं इतना मानता हूँ कि सर, जिससे कि इससे पहले कि मोहित अपनी प्रेजेंटेशन दें, कि कैथल और अंबाला और तीसरा क्या हुआ जींद,
आप तीनों में इतना इतना पोटेंशियल है कि 60-60 करोड़ का प्रीमियम, यानी कि तीनों शहरों में 200 करोड़ का प्रीमियम रखा हुआ है। बस हमें ये देखना है किसके पास जा रहे हैं, किसके पास नहीं जा रहे हैं। कोई भी काम करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर में बैठ करके काम नहीं होगा। लेकिन इतना मैं गारंटी दे देता हूँ, 3 साल के बाद आपका काम घर में बैठ करके होगा। जिस दिन आपके 400 क्लाइंट बन गए, 400 क्लाइंट आपको 3 साल के बाद अपने आप रेफरेंस देना शुरू कर देंगे कि प्रेम जी इसकी पॉलिसी होनी है, प्रेम जी इसकी पॉलिसी होनी है, प्रेम जी इसकी पॉलिसी होनी है, घर पे बैठ के काम होगा। जी सर, जी सर, ठीक है ना, ठीक है। तो ऊपर से टॉप अप हमने कर दिया है आपके लिए इतना शानदार कैंपस ला करके। सो मोहित, इफ यू कैन स्टार्ट दी पीपीटी। या सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ऑल योर वैल्यूएबल इनपुट्स। सर आपने जो अभी एग्जांपल बताया बहुत ही अच्छा है कि हम जब सुबह उठते हैं तो हम क्या हम किसी का भला कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देकर। तो सर थैंक यू। तो विनोद, आप एक स्लाइड को आगे लेंगे। हमारा जो कॉन्टेस्ट है इसमें आप देख रहे हैं क्रेडिला क्यूज है, इसमें ये कॉन्टेस्ट हमारा 3 मंथ का है, जो 1 अक्टूबर मीन्स हमें पूरे 3 महीने मिल रहे हैं जितने भी सब लोग यहाँ पे कनेक्टेड है। 3 महीने के लिए पूरा कॉन्टेस्ट है और 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक इसका लॉगिन है और इश्यूएंस भी है 31 अक्टूबर तक, 31 दिसंबर तक की है। तो विनोद एक बार स्लाइड आप आगे करेंगे। इसको आप उसमें कर लेना विनोद, पूरी स्क्रीन दिखाओ ना इसकी, ये आप साइड में कर रखा ना पूरा। तो दोस्तों ये कॉन्टेस्ट हमारे एडीओस लीडर्स के लिए है और विनोद एक साइड आगे लेंगे आप। ये हमारे स्लैब्स हैं 1 अक्टूबर। आप यहाँ देख पाएंगे कि ये जो कॉन्टेस्ट है 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का है और इसमें हम ये एडिशनल स्लैब दे रहे हैं। जो हमारे हमारे जो स्लैब्स हैं बेसिक स्लैब्स हैं वो तो साथ में है ही है, साथ में हमें एडिशनल ये जो पे आउट मिलेंगे, आप ये देखेंगे स्लैब दे रखे हैं 25,000 रुपए से पहला स्लैब है और इसमें जो रिवॉर्ड है वो 1,000 रुपीज का है। पवन जी, पवन कुमार जी, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, मैं आपका बार बार नाम लेता हूँ लेकिन आपका चेहरा दिख रहा है, बस और किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं आपका नाम ले लेता हूँ, तो बुरा मत मानिएगा। एक एक मिनट, किसी का फोन लग गया। ये तो यार पवन जी तो चले गए यार, नाराज हो गए हमसे भाई साहब। चलो और कौन, संजय जी, संजय जी, विकास जी, कोई है लाइन पे? राजेश जी, हाँ संजय जी, एक बात बताइए कि अगर आप 3.5 लाख रुपए महीने में करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा? आप अपनी टीम से 3.5 लाख रुपए करते हैं, विकास जी, राजेश जी, सब सुन लीजिए, मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ, आपसे आपकी भलाई। ठीक है सर, बस म्यूट कर लीजिएगा, मैं नाम ले लूंगा। संजय जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, संजय जी, अगर आप 3.5 लाख रुपए महीने का बिजनेस करवाते हैं अपनी टीम से तो आपको कितना पैसा मिलेगा? कोई बात नहीं, मतलब देखो इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ, आप हमारी टीम के नए साथ जुड़े हुए हैं तो आपको हर चीज की क्लियरिटी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई थोड़ी ना बात, अभी तो क्लेरिफिकेशन मत करो। कितना है बताइए बताइए सर, 15% कमीशन के हिसाब से आता है क्या? आप एडवाइजर हैं या लीडर हैं? लीडर है सर, ये एडीओ है सर। ये कुलदीप, आपने बताया नहीं अभी आपको, मैंने बताया था सर, दोबारा कंफर्म कर रहा हूं, मैंने अब मैं कर लिया। राजेश जी, जी सर, हाँ जी सर, आप बताइए कि अगर आप 3.5 लाख रुपए अपनी टीम से कराते हैं जी एक महीने में तो आपको क्या पे आउट मिलता है? सर एग्जैक्टली ध्यान तो नहीं सर, मेरे बताया था सर ने,
कितने बंदा इंटरेस्ट लिए बता रहे हैं। जसवीर जी आपको आइडिया है, पवन जी आपको आइडिया है, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं आपको सबसे पहले वो दिखाता हूँ, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है देखने का जब तक हम उस चीज का हमें आइडिया नहीं होगा। एक मिनट विनोद, इसको आप हटाना जरा। पोस्ट बना दो सर को ना, तभी सर शेयर कर पाएंगे अपने लैपटॉप से ना। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर, दिख रही है। तो सभी हमारे लीडर जो हैं, प्लीज आप इस स्लाइड को ध्यान से देखेगा। वो वाला कॉन्टेस्ट आपको ये पवन जी, संजय जी, ये स्लाइड दिख रही है आपको प्लीज? जी सर, दिख रही है सर। ओके, तो प्लीज मेरे आपसे बस एक अनुरोध है छोटा सा कि 5 मिनट का अपना टाइम दीजिए, तभी ये कॉन्टेस्ट की इम्पोर्टेंस रहेगी, अदरवाइज फिर हमारे ऊपर से निकल जाएगा। तो इस कॉन्टेस्ट से पहले भी ये स्कीम है आपके लिए, इस कॉन्टेस्ट को बाद में रख दीजिए जो मोहित जी अभी बता रहे थे, उससे पहले ये है। तो अगर मैं नाम ले लेता हूँ, संजय जी हैं। संजय जी, आपने अपनी टीम से 3 लाख रुपए करवाए, ये सामने लिखा होगा आपके 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक लिख रहा है ना, दिख रहा है ना आपको? दिखा दिखा। और 4 एक्टिव करवा दिए आपने, ठीक है सर। आपको 3 लाख रुपए पे 12% मिलेगा। ओके सर। जैसे ही आपने 3 लाख रुपए में 1 रुपए का इजाफा कर दिया, हाँ जी, आपका वो 12 की बजाय 14% हो जाएगा। तो आपने मान लीजिए आपके पास 25 बंदे हैं एडवाइजर, ठीक है, आपने उनसे इस महीने में 8 बंदों से काम कराया और उनसे 4 लाख रुपए का बीमा करवा दिया एग्जाम्पल, तो आपको 4 लाख का कितना मिल रहा है, कैलकुलेट करिए प्लीज। 14% के हिसाब से ना सर, कितना हो गया? 14,56,000 रुपए आपको मिल रहे हैं। आपने 3,25,000 रुपए किए तो 3,25,000 रुपए 14%, आपने 2,50,000 रुपए किया तो 12%, आपने अपनी टीम से 2 लाख या उससे नीचे करवाया तो 10%। बस बीच में जो एक खाना लगा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, इनका जरूर ध्यान रखिएगा कि इतने एजेंट एक्टिव होने चाहिए। एजेंट एक्टिवाइजेशन का मतलब होता है 10,000 रुपए नेट प्रीमियम से किसी एडवाइजर ने आपके प्रीमियम डाल दिया हो। सपोज संजय जी आप एक लीडर हैं, मैं आपका एक एडवाइजर हूं, मैंने 11,000 रुपए नेट प्रीमियम डाल दिया, मैं मान लिया जाऊंगा एक्टिव। विनोद आपके एडवाइजर हैं, उन्होंने 12,000 डाल दिया, मैं एक्टिव मान लिया जाऊंगा। मोहित आपके तीसरे एडवाइजर है, उन्होंने 20,000 डाल दिया, मैं मान लिया जाऊंगा। कुलदीप आपका छठा एडवाइजर है, उसने 5,000 रुपए डाला, तो काउंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम 10,000 रुपए की जरूरत होती है, चेक अमाउंट की नहीं। जीएसटी हटा दीजिए, जो नेट बचा वो आपका नेट एक्टिवाइजेशन का माना जाएगा। ओके, आगे समझ में? ये सभी के लिए, खाली संजय जी से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी से बात कर रहा हूँ हमारे लीडर से। आपका सबसे बड़ा पहला पेआउट यहाँ से स्टार्ट होता है। कॉन्टेस्ट है नहीं है वो दूसरी चीज है, ये है आपकी इनकम सबसे इम्पोर्टेंट। संजय जी ने अक्टूबर में 5 लाख रुपए का बीमा कर दिया अपनी टीम से, 14,50,70,000 रुपए। अब आपके पास और कहां से इनकम होती है आपको? इससे होती है। अब संजय जी ने 5 लाख रुपए का बीमा किया और उसमें से 10 बंदे एक्टिव कर दिए, ठीक है, तो आपके सामने लिख रहा होगा 8 से 10, यानी कि आप 8 से 10 की स्लैब में पहुंच गए, उसमें से 1,100 रुपए पर पर्सन आपको मिल जाएगा, यानी कि 11,000
11,000 के आसपास ये हो गए और प्लस 70,000 हो गए, कितने हो गए 81,000 आपकी नेट इनकम हो गई अभी सिर्फ एक महीने से। अब आते हैं जो अभी इसके बाद भी और भी है लेकिन मैं वो आगे चालू हो जाता है, दूसरी चीजें मैं उसको नहीं बताऊंगा अभी आपको, लेकिन अपनी सिर्फ ये दो चीज स्लाइड ध्यान रखिए आपकी इनकम कैसे हो रही है। ये इसका फोटो खींच सकते हो आप, अगर चाहें तो इसका फोटो खींच लीजिए अपने मोबाइल में, या आपको मोबाइल में ये अपने कुलदीप और सोमवीर और विनोद जी जो है आपको भेज देंगे इसका फोटो खींच करके। कुलदीप विनोद सोमवीर आप इनको फोटो खींच के इसका भेजिएगा, सो दैट संजय जी पवन जी बाकी सब लोग जो है जसबीर जी कुछ समझ में आ रहा है, अगर कोई भी क्वेश्चन है प्लीज फ्री माइंड से मुझसे पूछिएगा, आई एम देयर टू हेल्प यू, कुछ भी क्वेश्चन उल्टा सीधा कैसा भी क्वेश्चन हो आप मेरे से प्लीज पूछिएगा, पर समझ में आना चाहिए आपको, मैं 10 दफे भी बताऊंगा आपको कोई भी क्वेश्चन प्लीज पूछिए। देखो आप ज्वाइन सर्विस लेने करा कि भाई विनोद ने कह दिया कुलदीप ने कह दिया, आप किस पर्पज के साथ आए हैं, अगर कोई पर्पज नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर पर्पज है आपका और हम भी आपके साथ टाइम लगाना चाहते हैं तो फिर आप हम चाहते हैं कि आप इनकम करें। आगे मैं ये लेके चलूं आपकी कैलकुलेशन सही है, सब समझ में आ रहा है जी सर? चलिए ठीक है, मैं आपको मैंने 81,000 रुपए तक का पेआउट दिखा दिया, 5,00,000 पे मैंने 81,000 का दिखाया पेआउट, इनकम यहीं पे खत्म नहीं होती है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके अलावा क्या चीज है, होल्ड करिएगा दिल शाम के बैठेगा। किसी ने अनम्यूट किया हुआ प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा, वो म्यूट कर लीजिएगा। अब हम संजय जी को मैं एग्जांपल लेता हूँ, संजय जी हमने कहाँ पे इनकम छोड़ी थी आपकी, अभी कितने पे छोड़ी थी, 81,000 पे छोड़ी थी, 81,000 है ना, और कितना बीमा करा था आपने महीने में, 5,00,000। वेरी गुड, अब आते हैं जी आपकी दूसरी इनकम पे, ये कॉन्टेस्ट आपके लिए लेकर के आया हूं, 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक 3 महीने का कॉन्टेस्ट है, लेकिन ये जो नीचे दिख रहा है ना आपको, ये कभी भी कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा सर, ये मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ सिर्फ इस महीने के लिए, 81,000 रुपए पे 5,00,000 पे मैंने आपकी इनकम छोड़ी थी, इस पे कितना दिख रहा है 5,00,000 रुपए पे पवन जी या संजय जी, 50,000 दिखा रहे हैं, 6 एक्टिव और 5,00,000 रुपए अगर आप इस महीने करते हैं, पहले कितनी इनकम हुई थी 81,000, अब कितनी हुई 50,000 रुपए की इनकम आपको अभी तक हो चुकी है जनाब, कितना परसेंटेज हो गया साहब, मोटा मोटा 27% की इनकम आपको अभी जा चुकी है, अभी तो बहुत सारी चीजें मैंने दिखाई नहीं है आपको, यहीं पे मैं 3.5 लाख रुपए कर लेता हूँ संजय जी, मैं आपसे कहता हूँ आपने देखा था सारा कुछ, अगर आपने महीने में 3.5 लाख रुपए की इनकम करी तो अब इनकम कितनी होगी आपकी, कितना 3.5 लाख पहले 3.5 लाख 3.5 लाख यस 14% मिल रहा था, क्योंकि 3,00,000 एंड अबाउ पे 14% था, तो 3.5 लाख पे 14% कितना हो गया 49,000 और उसमें आप 6-7 बंदे एक्टिव भी करोगे उसको भी 7-8,000 रुपए आ जाएंगे, 55,000 मान लेता हूँ, 55,000 और इसमें कितना मिल रहा है इस महीने 35,000 कितना हो गया मोटा मोटा 1,00,000 रुपए के आसपास आपकी इनकम हो गई सिर्फ 3.5 लाख रुपए का पीएम अपनी टीम से करवाने के बाद, ठीक है एक आदमी भी कर सकता है 3.5 लाख जब, लेकिन जब आप 25 लोग जोड़ लेंगे 10 लोग जोड़ लेंगे 15 लोग जोड़ लेंगे तो ये और उतना ही आसान हो जाएगा, क्योंकि सबसे आपने 30,000 रुपए का काम कराना है,
एक बंदे से 30,000 रुपए का प्रीमियम लाना, 15 बंदे से 5,00,000 रुपए का प्रीमियम हो गया आपका। ठीक है, ये एक लीडर का काम है। आप इसीलिए लीडर बने हो कि आपको लोग फॉलो करें। ठीक है, आपने अपने टीम नीचे बना के अच्छे बंदों की टीम बनानी है जो आपके साथ मिलकर के काम कर सके। 100 बना लीजिए, 200 बना लीजिए, 300 बना लीजिए। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया था, मैंने आपको बताया नहीं है, आपके शहर में आपकी बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज में इतने एडवाइजर ब्रांच में नहीं होंगे जितना यहाँ हमारे लीडर के पास। इंडिया का जो सबसे बड़ा लीडर है कारामुख में बैठ करके, वो 7,000 एडवाइजर्स हैं उसके पास। 7,000 आप सोच सकते हैं, 7,000 में। इसलिए कह रहा हूँ कि आपके कैथल में, जींद में, बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज के ऑफिस में 7,000 एडवाइजर नहीं होंगे। उस व्यक्ति ने 7,000 अपने एडवाइजर जोड़ रखे हैं हमारे साथ। उसका अब तक का 65 करोड़ का बेस है, 65 करोड़ का। हर साल का वो करीबन 5-6 करोड़ रुपए का प्रीमियम करता है अपनी टीम से। सॉरी, 5-6 करोड़ कम कह रहा हूँ, 9-10 करोड़ का प्रीमियम पिछले 3-4 साल से कर रहा है। ये है टीम का पावर। जितनी सोच बड़ी करोगे सर, ये सोच का ही गेम है। यहाँ पर जितनी बड़ी सोच करोगे उतना बड़ा आपका काम होगा। आपने सोचा कि यार मैं तो 3 लाख रुपए करके फिश हूँ, बढ़िया है। आपने सोचा इसको मैं 1-0 लगा दूँ 30 लाख ला सकता हूँ। मैं आपने सोचा मैं ऐसे 3 से पहले 1 कर दूँ तो 13 लाख ला सकता हूँ, तो 13 लाख भी हो जाएगा। सिर्फ करने की बात है, लेकिन 13 लाख की जो इनकम आएगी, 2.5 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए की इनकम, वो है सबसे बड़ी पावर। अभी 5 लाख रुपए पे कितना मैंने बता दिया था संजय जी आपको, 1,31,000 रुपए पहुंच गए थे। हाँ जी, और ये सिर्फ महीने की बात बताई है मैंने। अब आते हैं यहाँ पर, अब आप लीडर हो, आपने अपनी टीम से मान लीजिए 3 महीने में, ये 3 महीने का कॉन्टेस्ट है, ध्यान रखिएगा, क्वार्टरली क्लोज अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आपने अपनी टीम से 8 लाख रुपए का बिजनेस करा दिया, आपको सिंगल टिकट, एक टिकट मिल जाएगा आपको क्रूज का। ठीक है, आपने 7 लाख रुपए करा दिया, आपको सिंगल टिकट मिल जाएगा बालकनी का, जैसे होता है ना सिनेमा हॉल में बालकनी का टिकट होता है। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही है, इसमें बिल्कुल समंदर की लहरें साइड में होगी, मस्त बढ़िया शानदार तरीके से आप लगेगा, है ना। और फिर 16 लाख करवा दिया पवन जी ने, 16 लाख करा दिया संजय जी ने, मैडम के साथ जा रहे हैं डबल टिकट, आप सोचो क्रूज पे मैडम के साथ घूम रहे हो आप। 20 लाख करा दिया, डबल टिकट मिलेगा लेकिन बालकनी का मिल जाएगा। इंटीरियर इसमें जो है ना रूम्स होते हैं बड़े लंबे, आप में से कोई गया है सर क्रूज पे, कोई बैठा हुआ है क्या, कोई है क्या, कोई नहीं है, तो मैं बैठा हुआ हूँ, मोहित जी भी बैठे हुए हैं। ये ना बड़ा मतलब पूरा एक ऐसा एक पूरी सोसाइटी होती है, पूरा शहर बसा हुआ है इसके अंदर, पूरा शहर, इसमें स्विमिंग पूल भी है, इसमें टेनिस कोर्ट भी है, सब कुछ इसमें ही है, बैडमिंटन क्या नहीं है मतलब उसके अंदर। तो कमरे होते हैं उसमें 2,000, तो उसमें अंदर के कमरे होते हैं, कुछ बाहर के कमरे होते हैं। तो ऐसे डबल टिकट वो इंटीरियर स्टेट रूम है, बालकनी स्टेट रूम है। 24 लाख करा दोगे तो 3 टिकट हो जाएंगे, बच्चे भी साथ में चले जाएंगे। 30 लाख करा दोगे बालकनी वाले 3 टिकट हो जाएंगे। 32 लाख और 40 लाख के 4 टिकट हो जाएंगे। अगर किसी के 2+2 हैं, हस्बैंड वाइफ दो बच्चे, तो सब चले जाएंगे, पूरी फैमिली चली जाएगी। आप सोचो पूरी फैमिली के साथ बॉम्बे टू गोवा क्रूज पे आप घूम रहे हो, 4 दिन 3 दिन जितना भी है, 2 नाइट 3 डेज का मस्ती कर रहे हो फैमिली के साथ, यही टाइम होता है सर। बाकी सबसे आदमी जो है ना 9 से 11 तक अपने काम धंधे में लगे रहता है, फैमिली को टाइम नहीं मिलता। ये टाइम होता है जब आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। किसके बदौलत? आप अपनी टीम के बदौलत। हमने अच्छी टीम बना दी कैथल में, कैथल में या जींद में या हिसार में या अंबाला में। क्या हमारे पास ऐसे लोग नहीं है कि जो, अरे सर एक एक बंदा 8 लाख रुपए खोज सकता है। आपको मैं एक कहानी बताता हूँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस वक्त के। मैं कृपा से थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए, किसी की पीछे से वो आ रहा है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये कहेंगे कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। मेरे यहाँ पे जो इंडिया के नंबर वन एडवाइजर है, शी इज अ लेडी, इम्पोर्टेंट ये नहीं है लेडी है, इम्पोर्टेंट ये है कि 75 साल की है। इम्पोर्टेंट ये भी नहीं है कि 75 साल की है, एज कोई मायने नहीं रखती। लेडी है ये भी मायने नहीं रखता, क्योंकि लेडी जेंट्स में कोई फर्क नहीं होता, जिसको काम करना करेगा। इम्पोर्टेंट ये है वो साल का 2 करोड़ रुपए का प्रीमियम करती है। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया टिकट उसने 5 टिकट जीते हैं 2 करोड़ 10 लाख रुपए करने पे। आप सोचिए 75 साल की लेडी 76 साल की 2 करोड़ 10 लाख रुपए, 5 टिकट ऑस्ट्रेलिया के जीते हैं उसने। और हम वी आर यंग पीपल, वी आर 35 साल 40 साल 45 साल 25 साल की एज है हमारी,
और हम क्या कर रहे हैं सर। वो लेडी इंस्पायर करती है जब वो मिलती है, 100 लोगों को इंस्पायर करती है वो कि यार 75 साल की लेडी कैसे कर सकती है वो 2 करोड़ 10 लाख रुपए का प्रीमियम। कोई भी उसका प्रीमियम 3 साल की पॉलिसी से नीचे नहीं आता, 1 साल की पॉलिसी नहीं करती वो, 3 साल की पॉलिसी करती है हमेशा। किसी कस्टमर का 50,000 का 1 साल का प्रीमियम आ रहा है तो 1.25 लाख रुपए का प्रीमियम उठाएगी 3 साल में, ये उसकी सबसे बड़ी खासियत है। अब आप सोचिए कि संजय जी से मेरी बात चल रही थी, संजय जी आपने अपनी टीम से 16 लाख रुपए करा दिए, एक टिकट का जो खर्चा है तकरीबन मेरा ख्याल है ये 50,000-60,000 रुपए का होगा इसका, बिकॉज़ यहाँ से बॉम्बे भी जाएंगे, बॉम्बे से वापस भी आएंगे, फिर बॉम्बे से गोवा भी जाएंगे, टोटल मिला के 50,000, 1 लाख रुपए 2 टिकट आपको 1 लाख रुपए के हो गए। कितना इनकम हुई एक महीने की? 30,000 रुपए हो गई। मैंने अभी आपको 1,31,000 काउंट करवाया था, 1,31,035,000 हो गया, कितना हो गया सर? 1,65,000 सिर्फ 16 लाख रुपए करने पे सर। नहीं 16 पे क्यों, अभी तो मैंने वो तो बाकी का तो प्रीमियम काउंट नहीं करा, मैं तो 5 लाख का काउंट किया था, मतलब आपको करीबन 4 लाख रुपए की इनकम हो गई सिर्फ 3 महीने में। तो सिर्फ करने की देर है सर, करने वाला तो देखो मैं तो इतना ही कहता हूँ, मैं तो बड़ा हौसला नापता हूँ कि उस लड़की से अरुणा सिन्हा का नाम सुना आपने किसी ने? किसी का नाम सुना है सर? अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा जो है यूपी की लड़की जो थी 10 साल पहले, वो रात को ट्रेन से आ रही थी और वैसे ही कुछ गुंडे बदमाश से झगड़ा हुआ और उसको नीचे ट्रेन से फेंक दिया और उसका एक पैर कट गया ट्रेन पहिए के नीचे आने पे, पहिए से पैर कटा, वो रात पूरी रात नहीं पड़ी रही क्योंकि जंगल था, कोई आ नहीं सकता था, ट्रेन गुजर रही थी, सुबह को देखा तो जब उसको हॉस्पिटल ले गए, उसका जो भी था पैर तो कट चुका था, उसमें कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन हिम्मत की बात देखिए कि सर हिम्मत ही तो है जो हमें कहां तक लेके चली जाती है, उस हिम्मत की बदौलत उस लड़की ने माउंट एवरेस्ट फतह किया। आप गूगल करिएगा अरुणिमा सिन्हा, डेढ़ टांग पे उस लड़की ने माउंट एवरेस्ट फतह किया था और वो इतनी हिम्मत की बात होती है कि जब आप ऊपर जाते हैं ना तो वहां लाशें पड़ी रहती हैं क्योंकि वहां कोई चढ़ते हैं लोग तो मर जाते हैं, क्यों हर कोई आदमी तो फतह कर नहीं पाता, डेथ हो जाती है, वहीं लाशें पड़ी रहती हैं और गलती नहीं है वो क्योंकि -50 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहां लाशें पड़ी रहती है साइड में, उस लड़की ने डेढ़ टांग पे और माउंट एवरेस्ट पे फतह किया था। तो हिम्मत हो तो सर कुछ भी किया जा सकता है, ये 8-10 लाख 24 लाख 30 लाख रुपए कोई फिगर नहीं होती, 75 साल की लेडी अगर 2.5 करोड़ कर सकती है 1 साल में तो हम क्यों नहीं कर सकते सर। तो ये आपके है, ये एक चीज है इम्पोर्टेंट आपके लिए और ये पूरे साल के लिए, इसको मैं अभी नहीं दिखाऊंगा आपको, कोई फायदा नहीं है इस चीज का, बट ये पूरे साल के लिए है, अप्रैल से लेकर के मार्च तक का 45 लाख रुपए अगर आप अपनी टीम से करा दोगे तो वो जो कॉन्टेस्ट में दे रहा हूँ तो सब मिलेंगे। एक टिकट आपको न्यूजीलैंड का मिल जाएगा, 60 लाख पे सिंगल टिकट प्लस सिंगल रूम मिल जाएगा, 75 लाख पे 2 टिकट आपको न्यूजीलैंड का मिल जाएंगे। तो इस चीज को हम बाद में देखते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये जो मैंने कहानी बताई है आपको 1,65,000 या 4 लाख रुपए की, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये समझना है कि आप क्या करना चाहते हैं, कौन सी स्टेप अचीव करना चाहते हैं। तो मैं अगर संजय जी आपका नाम बार बार आ रहा है, पवन जी का नाम आ रहा है, कोई अगर आपने कुछ ऐसा दम हो हिम्मत हो तो आप कोई सी फिगर पे मोहर लगा सकते हैं कि साहब इस महीने को इतना कर ही डालूंगा मैं। क्यों सर? 3-3.5 लाख 3 तो है ही नहीं, 3.5 है या 5.5 है, 3.5 है, कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं सर। बिना कोशिश के कौन सा हो जाएगा? बिना कोशिश के तो कोई भी नहीं होता सर। नहीं हो सकता है, आप मार्केट के बंदे हो, आदमी कह देता है कि सर अब जैसे मैं मार्केट का बंदा हूं, मुझे अपने कॉन्फिडेंस है कि यार 2.5 लाख तो मैं खरीदूंगा, 2.5 लाख में कोशिश की जरूरत नहीं है, कोशिश तो मुझे 5 लाख की जरूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। ओके सर, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपकी बात को बड़ा करता हूँ, आप कह रहे हो 3.5 लाख तो मैं कोशिश कर सकता हूँ 3.5 लाख के लिए, 3.5 लाख में इनकम देख ली आपने कितनी है, 1 लाख रुपए की आ रही थी इनकम, और 3.5 लाख रुपए अगर आपने तीनों महीने में कर दिया तो आप कौन सा कमा रहे हो? ये देखो आप मोटा मोटा सिंगल टिकट बालकनी है ना, 10 लाख पे मतलब मोटा मोटा 3.5 × 3 10.5 लाख रुपए,
10.5 लाख रुपए पे आपको सिंगल टिकट बालकनी स्टेट में मिल जाएगा 50,000 रुपए का, और 1 लाख रुपए हर तीनों महीने में आपको ये मिल जाएगा मोटा मोटा 3 लाख रुपए की इनकम भी हो रही है, और 3 महीने में 3.5-3 करने पर, और प्लस आपको एक वो भी हो रहा है ये क्रूज का एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। ठीक है ना सर, तो ये सिंपल सा कॉन्टेस्ट है, यही आपके एडवाइजर के लिए। नीचे एडवाइजर जो है आप अपनी टीम को बताओगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये जो 8 लाख रुपए है ये आपकी टीम के लिए 5 लाख रुपए पे है सिंगल टिकट आपके एडवाइजर को। ठीक है, और ये आपकी टीम के लिए नहीं है, ये नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है। तो कुलदीप सोमवीर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई ये सब चीजें क्लियर करके बताओ, मतलब ऐसा ठूस दो दिमाग में कि मतलब खाना खाना मिल जाए आदमी लेकिन इन चीजों को ना भूले, ये हमारा काम है। ओके सर, ओके, समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर, यस। आधे अधूरे ज्ञान के साथ ना, देखो जंग जो है ना ऐसे नहीं लड़ी जाती, नहीं ठीक कर रहे हो, लड़ाई के लिए तैयारी करनी पड़ती है सर। अरे आधी अधूरे के साथ तो हिम्मत फिर जो है ना दुश्मनी हमें मार के चला जाता है, जंग लड़ने के लिए हमारे पास सारे हथियार होने चाहिए तब मजा आएगा इस चीज के करने के लिए। तो एक बार अगर चाहे तो सर आप अपना चेहरा दिखा सकते हैं, सबने अपने वीडियो बंद कर रखे हैं, पता तो चले अगर मैं जब कैथल लाऊंगा तो मैं किससे मिल रहा हूँ किससे नहीं मिल रहा हूँ सर। और मेरा मन है, मेरे कुलदीप ने बोला था कि मैं 20 अक्टूबर तक सर आपको बुलाऊंगा इतना करने पे, अभी बुलाई नहीं रहा था, इसने कहा था 50-60 एडवाइजर बनाऊंगा 10-12 एडी बनाऊंगा और मैं आपको पूरी मीटिंग कराऊंगा, एक बड़ी शानदार मीटिंग, पता नहीं कब बुलाएगा, तब इसके अरे नवरात्र में बुलाएगा। ओ कुलदीप नवरात्र में बुलाएगा? नहीं नहीं ठीक है, अगर तू वैसे नवरात्र में बुलाना चाहता तो मैं आ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं तो ये मानता हूँ कि जींद हो कोई सा भी शहर हो छोटा शहर, मैंने 2015 में यूपी को देखना शुरू किया था जब मुझे लगता था कि यार मैं कहाँ जंगल में फेंक दिया, और आज वो यूपी 100 करोड़ रुपए साल का कर रहा है। आप तो बहुत दिल्ली के किनारे बैठे हुए हैं, क्यों प्रेम जी ये पीछे मैट टंग रहे थे आपके? नहीं शॉप पे बैठा हूं सर। अच्छा शॉप है आपकी, वेरी गुड। विकास जी आपका चेहरा दिखा दो साहब, संजय जी आपसे बात हो रही है, आपका चेहरा नहीं दिखाया आपने, बहुत बढ़िया आपसे मुलाकात हुई। और आजाद परिंदे साहब से नाम तो पता चले, आजाद परिंदे इतना बढ़िया नाम रखा हुआ है राहुल, अरे ये तो वाकई में आजाद परिंदा हमारा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप सब लोगों ने हमारे साथ तोड़ आ गया साहब, संजय जी राजा जी प्रेम भाई विकास जी आप सबका कोड आ गया है, हमारे साथ लीडर का कोड आ गया है क्या? आ गया सर, अभी राजाजी का कोड आया है, कल ही आया है, और संजय के साथ प्रेम का भी आया है सर। अच्छा हां जी सर, और पवन जी की भी तबीयत खराब है तो आ रहा है, और अपना सुरेंद्र जी का भी कोड आ रहा है सर, लेकिन वो आर आर माता गए हुए हैं सर, वो ड्राइविंग कर रहे थे सर के ज्वाइन नहीं कर पाए। ओके जसवीर जी एक बार वो दिखाइए प्लीज, आपने फिर वीडियो बंद कर दिया, मजा नहीं आता ना, ऐसा लगता है मैं पता नहीं किन ब्लाइंड उस चीज से बात कर रहा हूँ, मजा तभी आता जब एक दूसरे से इंटरेक्शन हो, वेरी गुड। अरे माशाल्लाह बहुत शानदार पर्सनालिटी आपकी, आप चेहरा छुपा रहे हो यार, आप कहाँ से जसवीर जी, जींद से या कहाँ से, कैथल से? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही है जसवीर जी, फोन भी दिखते हैं। अच्छा ये कैथल से ही है क्या जसवीर जसवीर जी? कुलदीप हां जी कैथल से ही है सर, वेरी नाइस। मैं कैथल था दोबारा, वो जो थे पवन जी थे अभी उन्होंने कोड के लिए अप्लाई किया है, उनको भी 10 ईयर के करीब होगा कोर्ट कोटक में अजन, आप किसी का भला करते हो, एजेंट तो हर कैटेगरी में एजेंट होता है ना, एजेंट का मतलब हिंदी में कुछ कुछ ही और होता है, तो मैं उसको तो मानता नहीं एजेंट को, आप एडवाइजर हो, आप किसी को एडवाइस करते हो,
एक तरह से हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर है। मैंने मैंने अपने 14 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, मैंने पैरों में पड़ते हुए देखा है क्लाइंट्स को मेरे, जब उनके क्लेम पास होते हैं ना तो पैरों में पड़ते हुए देखा है लिटरली। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, जब आप किसी का क्लेम पास करवाओगे ना 5-10 लाख रुपए का, तो आपके पैरों में पड़ जाएंगे लोग और उस वक्त आपकी आंखों में आंसू होंगे कि यार मैंने चलो इस आदमी का भला कर दिया, जिंदगी में और भलाई में कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस बहाने जाने अनजाने में लोगों की भलाई कर रहा हूँ इस इंश्योरेंस के बहाने। मेरे को इतने हजारों ऑफर्स आए लेकिन मैंने कभी हेल्थ इंश्योरेंस में बाहर निकलने का मन नहीं करा, तब से मैंने देखा ये 14 साल से इसी इंडस्ट्री में हूँ। तो आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा सर, अब कैथल लाऊंगा फिर से और फेस टू फेस मुलाकात करनी करेंगे, लेकिन और अच्छा लगेगा कि अगर आप मतलब कुछ मेरे आने से पहले कुछ और मना कुछ कुछ बढ़िया सा कुछ ऐसी परफॉर्मेंस करके देंगे यार, जींद और कैथल से कुछ काम हो रहा है, हो सकता है। जसवीर जी, संजय जी, क्यों साहब, प्रेम भाई, कुछ करके दिखाऊंगा यार, फिर मजा आएगा तभी कुछ यार। हवा उसमें में कहां से आए हो साहब, जीन से आए कैथल से आए साहब, करेंगे सर करेंगे, अपनी अपनी जगह की पहचान कि हम कहां से आए हैं और काम सर करेंगे काम से बनेगी जी सर। संजय जी आपने बोल दिया है 3.5 लाख रुपए, अब मेरे को याद आएगा 3.5 लाख रुपए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही समझ में, देखो मैंने धंधे की बात करी तो आवाज नहीं आ रही है, सही कह रहे हो। मैंने कहा 3.5 लाख रुपए आपने बोल दिया है, मैंने उस पर लिख लिया 100 रुपए के स्टैंप पेपर पे, स्टैंप पेपर पे, हाँ स्टैंप पेपर पे लिख लिया 3.5 लाख रुपए आपका कमिटमेंट। चलो कोई बात नहीं, कुलदीप संजय जी को बता देना क्या बात हुई है मेरी। चलिए ठीक है विनोद यार, नाइस मीटिंग टू योर टीम यार, अच्छा लगा मोहित, थैंक यू सर, सोमवीर, लेकिन यार कुछ बढ़िया करवा यार, इससे इससे बढ़िया मौका नहीं मिलने का। यस सर, अंबाला अंबाला शुड डू एट लीस्ट 20 लाख रुपए इस महीने। कुलदीप कुलदीप 10 लाख रुपए तो मेरे को देर से ही चाहिए इस महीने, 10-12 लाख रुपए, ये तो कुलदीप भी कहां चला गया। नमस्कार आप सभी को, जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके और मिलता रहूंगा, और अच्छा लगेगा, मैं अगेन कह रहा हूँ और अच्छा लगेगा जब कैप्टन बुलाओगे आप मुझे कुछ बढ़िया कर सके, कुछ पार्टी करेंगे बढ़िया शानदार से। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का समय देने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।